दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से मैं सबसे पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप लोग मेरे वीडियोस पर व्यूज़ तो बहुत अच्छे दे रहे हैं, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं दोस्तों। तो नीचे जो रेड बटन आपको दिख रहा है, वहाँ पर क्लिक करके सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। तो हेलो दोस्तों, आज है नवरात्रि का तीसरा दिन और आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो, जिसमें हम आपको आज करवाएंगे माता रानी के दर्शन, जो जबलपुर नगर की सेठानी कहलाई जाती है और इनका जो श्रृंगार है करोड़ों रुपए की सिल्वर और गोल्ड की ज्वेलरी से किया जाता है। माता रानी की ये मूर्ति स्थापित की जाती है जबलपुर शहर के सोनारहाई एरिया में, इस वजह से इनको कहा जाता है सोनारहाई की माता रानी। और जब जबलपुर शहर में प्रतिमाओं का जुलूस निकाला जाता है तो नंबर वन पर इनकी ही मूर्ति को रखा जाता है, सोनारहाई की माता जी। तो अब आप दर्शन करिए। तो ये है वो सोनारहाई का क्षेत्र जहाँ पर माता जी स्थापित हैं, और ये है वो माता जी सोनारहाई की, जो नगर सेठानी के नाम से भी जानी जाती है। देखिए किस तरह से इनका आभूषणों से श्रृंगार किया गया है, करोड़ों रुपए की ज्वेलरी से यहाँ पर माता रानी का देखिए जो है इतना अट्रैक्टिव श्रृंगार किया हुआ है, गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी से। और हर साल इनकी ज्वेलरी की क्वांटिटी है जो बढ़ती ही जाती है, जो भी चंदा आता है, जितना भी डोनेशन आता है, उसको ज्वेलरी के रूप में कन्वर्ट करके माता रानी के आभूषणों को तैयार किया जाता है। देखिए किस तरीके से पीछे वॉल में और नीचे आसन में भी चांदी लगाई गई है, और इतनी सारी भारी मात्रा में इतने सारे हार पहनाए गए हैं माता रानी जी को। कुल मिला के बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव तरीके से बिल्कुल आभूषणों से माता रानी जी का श्रृंगार किया गया हुआ है। और इस पैरों में भी देखिए कितने मोटे कड़े पहनाए गए हैं माता रानी जी को। ऐसे ही नहीं कहलाई जाती है ये जबलपुर नगरी की सेठानी। तो दोस्तों, अब सोनारहाई माता के दर्शन करने के बाद अब मैं आपको लेके चलता हूँ जबलपुर शहर में जो नंबर सेकंड की मूर्ति कहलाई जाती है, नन्हाई वाली माता जी। तो अब चलिए उनके दर्शन करने चलते हैं। तो अब हम आ चुके हैं नन्हाई वाली माता के पास, जिनका श्रृंगार भी करोड़ों रुपए की ज्वेलरी से किया जाता है। तो ये प्रतिमा स्थापित की जाती है जबलपुर के नन्हाई क्षेत्र में, जो कि जबलपुर के सराफा क्षेत्र के भी पास में है। और देखिएगा, इसमें आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखिए क्या श्रृंगार किया गया है, बिल्कुल प्योर गोल्ड से और सिल्वर की ज्वेलरियों से। किस तरह से देखिए इनके हाथ में इतने मोटे मोटे सोने और चांदी के कंगन हैं, इनके पैरों में भी आप देखेंगे तो किस तरीके से इतने प्यारे और इतने सुंदर तरीके से इनको बनाया गया है इस ज्वेलरी को, और इतने मोटे मोटे कंगन और ज्वेलरियाँ आप देखिए करोड़ों रुपए की हैं ये ज्वेलरियाँ गाइस, बहुत ही सुंदर और आकर्षित। तो अभी हम खड़े हुए हैं जबलपुर के सबसे मेन सराफा चौराहे पर। यदि आप मेरे राइट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पर है नन्हाई वाली माता जी। सराफा चौक से मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर आप चलेंगे तो नन्हाई वाली माता जी नज़र आएंगे आपको। और यदि आप मेरे इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर सोनारहाई वाली माता जी आएंगी। तो आपके लिए गाइड बहुत आसान हो जाएगा, यहाँ पे आके आप देखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं। दोस्तों, आज के दिन के लिए सिर्फ इतना ही, अब आपको हम कल दिखाने वाले हैं। बाय।